Stay with me, little bitch. Yeah, you know that I'm gonna make you be kinda like a snitch. No thoughts, no stand to host. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्रांड न्यू एकदम वीडियो शूट होने जा रहा है। और अभी भाई आफ्टरनून के कितने बजे, मैं आपको बता तो आफ्टरनून के 2 बजने वाले हैं। एकदम कड़ी से कड़ी धूप है। ऊपर देखो भाई, जस्ट आपकी आंखें भी नहीं खुल रही होगी। और मैं इतनी धूप में खड़ा हूँ क्योंकि मुझे सर्दी वर्दी है थोड़ी बहुत, तो आई थिंक धूप में खड़े रहने से सर्दी चली जाती है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। तो राम राम सीताराम जय श्री कृष्णा, केम छो मजामा। तो भाई आज का वीडियो हम आफ्टरनून से शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो एकदम भाई स्पेशल होने जा रहा है। आज कोई राइड नहीं होगी, लेकिन हम बीस्ट लेके जरूर जाएंगे, लेकिन राइड नहीं करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो कुछ प्रैंक टाइप होगा, प्रैंक करेंगे आज के वीडियो में। लेकिन कौन सा प्रैंक करेंगे, किसके ऊपर प्रैंक करेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी नहीं बताने वाला, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बाकी जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कॉमेंट्स करो, शेयर करो दोस्तों के साथ मेरा चैनल। बाकी जल्दी से चलते हैं, आफ्टरनून के 2 बज गए हैं तो धूप भी थोड़ी बहुत है, ट्रैफिक भी होगी। तो शुरू करते हैं आज का प्रैंक वीडियो। तो भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहो, फिर ही आपको मालूम पड़ेगा कि हम कैसा कैसा प्रैंक करेंगे, किसके साथ करेंगे। तो जल्दी से मैं नीचे जाता हूँ, अपनी बीस्ट को भी मैं कॉल स्टार्ट करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा बाइक पर। नीचे भाई हम बेसमेंट में भी आ चुका है। ये देखो भाई, सारी कारें एक ही लाइन में खड़ी है भाई, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। और बाइक देख लो भाई, एक पीछे लगाई है, किधर लगाई है, 2-3 इधर लगाई है। बाकी भाई ये रही अपनी रानी, ये रही अपनी बीस्ट। बीस्ट को भाई मैं जल्दी से खोलता हूँ, घूंघट उठाता हूँ भाई इसका, और चलते हैं एक छोटा वाला प्रैंक वीडियो शूट करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, फिर ही आपको मालूम पड़ेगा। आज मैं इसको ढकूँगा ना, ऐसे ही रहने देता हूँ क्योंकि हमें जल्दी से ही आ जाना है। वीडियो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट होगा, ब्यूटीफुल होगा। तो बाइक को भी मैं करता हूँ कॉल स्टार्ट, फिर 1-2 मिनट स्टार्ट रहने देते हैं, फिर चलते हैं अपना प्रैंक वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। ये बाइक हो गई अपनी स्टार्ट, 1-2 मिनट इसको स्टार्ट रखते हैं, फिर चलते हैं अपना वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि 5 बजे मुझे सिविल जाना है, तो सिविल भी पहुंचना पड़ेगा। ये देख रहे हो भाई आप, ये कितना गंदा हो चुका है ये, क्योंकि ये चेन सेट है, उसमें लूप वगैरह किया था, तो ज़्यादा लूप होने से ज़्यादा रोटेट होता है पहिया, तो इसके जो छींटे हैं वो व्हील प्लेट पर उड़ते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर धूल जम चुकी है। और मेरे पास भाई कैश नहीं है वॉलेट में, तो मुझे पहले कैश उठाना पड़ेगा, तो पहले कैश का कहीं से जुगाड़ करते हैं। और इसमें भी लिखा है भाई लो फ्यूल लेवल, तो चलो इसके भी 3-4 सेल चढ़ चुके हैं टेम्परेचर के। वाह भाई वाह, एकदम तगड़ी वाली अलग सी वाइब आ रही है भाई आज तो, क्योंकि मैं आज आफ्टरनून में शूट कर रहा हूँ, आफ्टरनून के 2 बजे है और लो फ्यूल लेवल भी है, तो पहले कैश उठाते हैं, फ्यूल अप हम करवा देंगे बाद में, अभी तो नहीं करवाएंगे। पब्लिक का रिएक्शन देखो गाइस, पब्लिक का रिएक्शन देखो आप लोग, देख रहे हो रिक्शो वाले भैया पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं भाई, इतना तो एकदम अलग ही स्वैग है मेरा भाई, समझ रहे हो। दीदी बातें क्यों कर रहे हो फोन में भाई, पहले निकल जाओ यार, फिर आप गिरोगे तो हमारा ही नाम आएगा, क्योंकि हल्का नाम हवलदार का ही होता है पुलिस स्टेशन में, समझ रहे हो। तो हम आ गए मारुति कैफे, यहाँ से केस वेस उठाते हैं थोड़े बहुत। देखना अभी हमारे कैलाश भैया, ये देखो भाई, ये प्रकाश भाई, कमू भाई, ये करण भाई। तो गाइस अभी हमने केस उठा लिया है यहाँ से, ये देखो मेरी जेब में है, ये मैंने प्लास्टिक की थैली में रखे। तो अभी हम जा रहे हैं अपना वीडियो शूट करने के लिए, ठीक है। ओ भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, ओ भाई न्यूट्रल हो गई थी गाड़ी, सॉरी गाइस सॉरी। चलो यार फ्यूल कम है यार, बहुत शिट यार, ये मिरर कितने बाहर निकल दिए यार, टूट जाएंगे, 2000 का खर्चा आएगा मेरा खाली खर्चा। साइड में रहो पब्लिक सारी भाई, अरे ठीक है भाई समझ रहे हो। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं प्रैंक वीडियो, और अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि ये प्रैंक वीडियो करेगा तो कौन सी टाइप का करेगा, क्या करेगा, किसके ऊपर करेगा, ठीक है। तो अभी पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये भैया से हम 3 रुपये का गूगल पे करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं अभी भैया का क्या रिएक्शन होता है हमारे ऊपर, गुस्सा ना हो जाए तो अच्छी बात है, 3 रुपये का गूगल पे करवाते हैं। ऐसा तो पब्लिक भी अच्छी खासी है यहाँ पे, फिर भी कर लेते हैं यार। अरे अंकल गूगल पे होगा ऑनलाइन बंद है वो कार्ड, मिनिमम कितना होता है मिनिमम? 50 से नीचे नहीं होगा, 50 से नीचे नहीं होगा तो केस से चलेगा, मिनिमम 3 रुपये का डलवाना है। क्या बोला तूने? कितना का? 3 रुपये का।
तो क्यों यार, अब गूगल पे तो नहीं करोगे ना? कैसे भी नहीं अंकल ने भाई साफ साफ मना कर दिया, गूगल पे तो है नहीं मुझे मालूम है, लेकिन कार्ड भी स्वैप नहीं होगा 3 रुपये का। तो मैंने अंकल से डायरेक्ट जैसे ही पूछा भाई 3 रुपये का स्वैप करना है मेरे को कार्ड, 3 रुपये का मैं 1P95 पेट्रोल डलवाऊँगा भाई। अरे अंकल पावर वाला वहाँ पे कोई है तो नहीं यार? अंकल पावर डालना है मिनिमम, वो आप मतलब कम से कम कितने का डलवा सकते हैं हम? 50 रुपये भाई, उनसे कम नहीं होता यार? कैसे कैसे ही? हाँ यार बोलो कितना डालना है तुम्हें? मुझे 3 रुपये का डाल दो। 3 रुपये का? 3 रुपये का थोड़ा आता है, सेट ही नहीं होता, 10 से नीचे सेट थोड़ा होता है, 3 रुपये का डालना होता है। 10 से नीचे नहीं होगा, देख लो यार अगर हो तो। नहीं होता 3 रुपये का, कौन होता होता कहता हूँ तो 11 रुपये का डाल दो। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रहने दो। हाँ ये लो क्या अंकल, 3 रुपये तो 3 रुपये होते हैं है? 3 रुपये तो रुपये तो होते हैं यार। नहीं होता 3 रुपये। एकदम से गुस्सा हो गए यार अंकल जी, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। लो अंकल डाल दो ना, मतलब 10 से कम नहीं होता। हाँ देता हूँ, 50 ही होगा 30-20-50। 11 का कर दो यार, आपने यार अभी बोला 11 का। हाँ तो 11 हाँ देता हूँ, चार डालो तो सही यार अंकल। ओ भाई इतनी जल्दी खत्म हो गया? हाँ तो आगे ले लेता हूँ अंकल, गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? बेकारी नहीं आपुन, बहुत पैसे अपने पास। अंकल को 11 रुपये गिन देते हैं भाई, किसी का भी 1 रुपया मैंने नहीं खाना, समझ रहे हो? लो अंकल लो ना। साइकिल में थोड़ी पेट्रोल आता है यार, अंकल परेशान हो गए भाई हमारे से। रेडी साइकिल में थोड़ी आता है यार, आता है यार। नहीं आता आता है। ओ भाई अंकल एकदम परेशान हो चुके हैं भाई, अब बोला ये दूसरी बार आएगा तो डालूंगा ही नहीं इसमें पेट्रोल में। सॉरी यार अंकल, आपको मैंने इतनी कड़ी धूप में परेशान किया भाई, सॉरी यार। कोई बात नहीं, हम दूसरे पेट्रोल पंप पे जाते हैं, हमारे पास एक थोड़ी ना है पेट्रोल पंप। ये अंकल तो भाई गुस्सा हो गया, बोला 10 से कम का पेट्रोल तो मिलेगा नहीं किसी को, तो मैंने बोला भाई 11 का ही डाल दो आप। अबे हम दूसरे पेट्रोल पंप पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ पे अभी रिएक्शंस लेते हैं भाई। वो तो यार ऐसा ही डायरेक्टली बोलने लगे कि भाई आप साइकिल लेके ही घूमो, आपको एक ATM सूट नहीं करेगी भाई, 3 रुपये का डलवाने आए हो तो भाई आप क्या यार, क्या आगे क्या कर पाओगे? अभी आई थिंक तो ऐसा उसके साथ किसी ने किया नहीं होगा पास्ट में, अभी हम ही जो एक थे कि उससे 3 रुपये का पेट्रोल मांगने चले गए मुँह उठा के, और वो भी खुला लेके गए। उसको ऐसा लगा होगा कि ये भैया के पास खुला तो होगा नहीं 3 रुपये, लेकिन हम भी यार सबके बाप है, राइडर जो निकले सब कुछ प्रबंध करके जाते हैं, समझ रहे हो? अगर 3 रुपये का डलवाना होता है 3 रुपये खुले लेकर जाते हैं हम, अगर 3.5 का डलवाना हो तो 3.5 भी लेके जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम 50 पैसे नहीं लेके जाते, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज तो स्पेशल प्रैंक वाला वीडियो ही शूट होने को आ रहा है, तो भाई वीडियो पूरा देखो, वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या पता हमारा ये वीडियो वायरल भी हो जाए और हम इसकी वजह से भाई बहुत बड़े यूट्यूबर बन जाए। अभी क्या है ना कि YouTube वालों का कुछ नक्की नहीं होता भाई, कौन सा भी कैसे भी करके वीडियो वायरल कर देते हैं, देख रहे हो रिएक्शंस भाई। ये रहा पेट्रोल पंप, आई थिंक यहाँ पे यार XP95 नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर होगा तो डलवाएंगे। इधर हम डलवाएंगे कितने अमाउंट का डलवाते हैं पेट्रोल, इधर हम हाँ 7 रुपये का ट्राई करते हैं भाई, बाकी मैं सादा पेट्रोल तो फिल नहीं करवाऊंगा इसमें, दोनों पेट्रोल मिक्स नहीं करने का भाई कभी भी अपने बाइक में, समझ रहे हो? तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अरे यार यहाँ पर तो सारी दीदी लोग हैं। छोड़ो कोई बात नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि अंकल पे ही प्रैंक करते हैं, हम दीदी पे प्रैंक करेंगे भाई। सादा ही है, पावर वाला नहीं है। मिनिमम अमाउंट कितने का आएगा फ्यूल? हाँ अरे ऐसा बोल रहा हूँ, कम से कम कितने का डलवा सकते हैं? कितना भी डलवा लो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता भैया। अरे ऐसा नहीं, हम अगर मेरे को 7 रुपये का डालना है डाल दोगे? 7 रुपये का? हाँ 20 रुपये से नीचे पानी नहीं होता। यही पूछ रहा हूँ कि कितने का आएगा मिनिमम? 20 रुपये से पहले आएगा ही नहीं। दीदी 7 रुपये का डाल दोगे? 7 रुपये का पेट्रोल? 7.5 रुपये का? 7.5 रुपये का? 7 रुपये का? 7.5 रुपये का? नहीं होगा, उनका पावर चाहिए। सादा है इसमें पावर वाला है, मिक्स हो जाएगा ना, इसीलिए कम डलवाना है। सादा नहीं चलता है? सादा चलता है, लेकिन इसमें अंदर पावर वाला है तो दोनों मिक्स हो जाता है ना, ऐसा थोड़ी होता है, इसीलिए कम डलवाना है। डाल दोगे तो डाल दो यार। ठीक है चलो,
भाई क्या रिएक्शन, क्या रिएक्शन मिले भाई, दो दो आंटी इकट्ठी हो गई भाई। तो भाई क्या रिएक्शन मिला मुझे तो आज, मतलब यार एक में, मतलब यार मैं तो ये सिर्फ एक ही आंटी के पास गया था, बोला कि भाई 7 रुपए का पेट्रोल डाल दो और मुझे पावर वाला डालना है, अगर पावर वाला होता तो मैं ज्यादा डलवा लेता, लेकिन मुझे डलवाना तो नहीं था वैसे तो, लेकिन मैंने जस्ट बहाना दिया उसको कि आपके पास पावर वाला नहीं है तो मुझे कम डलवाना है सादा वाला, इसीलिए मैं मतलब कम फ्यूल डलवाना चाहता हूँ, अगर आप मतलब अलाउ करो तो 7 रुपए का डाल दो यार कैसे भी करके। लेकिन दीदी ने साफ साफ मना कर दिया, बोला कि 20 रुपए के नीचे तो इसमें पॉइंट सेटी नहीं होगा। लेकिन यार यहाँ तो फेल हो गया, वहाँ पे था ही नहीं XP95। चलते हैं और एक अगले नए वाले पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे ही हम सेम 7 रुपए वाला अमाउंट ही ट्राई करेंगे। तो चलो आओ देखते हैं आगे क्या होता है हम पे। अरे अंकल पावर वाला किधर है, एक्स्ट्रा पावर चाहिए, मतलब मिनिमम कितने का डाल दोगे? मिनिमम कितने रुपए का डाल दोगे? बोलो उतना डाले ना तुम ऐसा। तो यार 7 रुपए का डाल दो, 7 रुपए का, 7 रुपए का तो नहीं आएगा, तो कितने का आएगा? 50 ऐसा कोई आएगा ना, 7 रुपए का अभी तो यार चालू नहीं होएगा ना यार। अभी तो आप बोले किसे भी डाल देगा, मतलब 20-30-30-40-50 तो 7 रुपए तो चालू नहीं होए तो सादा आएगा 7 रुपए का, जो भी नहीं कोई भी 7 रुपए का, मतलब पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, पेट्रोल ही नहीं मिलेगा 7 रुपए, मतलब मिलेगा ही नहीं। तो यार होता है तो देख लो यार, इसमें क्या मतलब दोनों हाइब्रिड पे चलता है इसलिए कम डलवाना है। यहाँ की जनता इमोशनल है, चूतिया नहीं। तो यार होता है तो देख लो यार, ये जो नया वाला मॉडल 20 रुपए तक आएगा, 20 रुपए का नहीं यार, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हरामी हो बेटा। क्या अंकल थोड़ी आता तो है यार, 7 रुपए 7 रुपए होते हैं। तो कितने का डाल दोगे? तो अभी काम करो 21 रुपए का डाल दो। गजब बेइज्जती है। 21 रुपए का 21 21 21 21। हाँ कितना आया? 200 ग्राम 20 ml। लो थैंक यू यार अंकल, आपने 7 रुपए का नहीं डाल दिया, देता हुआ 1 रुपया खुला। नहीं सब सबको हंसा दिया। क्या करें यार, हमारा काम ही यही है। ये लो आपके 1 रुपया। तो एक काम करो ना, इसका भी डाल ही दो, इसका भी डाल ही दो, अभी डाल दो। ये तो क्या, मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए आया था अंकल, बुरा मत मानना, लेकिन वो जो 21 वाला था वो प्रैंक वीडियो था, ये हमारा असली वाला है भाई, क्योंकि हम कॉलेज भी जाना है कल। तो मतलब क्या रिएक्शन तो मिलते हैं भाई, एकदम तगड़े तगड़े वाले रिएक्शन भाई, हमें बिलीव भी नहीं आता ऐसे रिएक्शन मिलते हैं। कहीं जाके यार पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई 3 रुपए का डालो, 7 रुपए का डालो, 11 रुपए का डाल दो, तो यार मतलब रिएक्शन तो मिलते ही है। वाह भाई क्या मजा आ गया भाई, मतलब यार वो बंदा पहले सोच रहा होगा कि भाई इसको 180 का डलवाना था पेट्रोल ऑलरेडी ही, तो यार इसने 21 का क्यों फील करवाया यार। आई थिंक हमारे पास 4 से 5 रुपए या 6 रुपए मैक्सिमम हो गए, तो इसका हम क्या करेंगे। हाँ ये आई थिंक सामने पानी की बोतल्स वगैरह मिल रही है, यहाँ पे ट्राई करते हैं हम प्रैंक वीडियो। 8 रुपए है भाई। आंटी बहुत प्यास लगी है यार, पानी दो ना, 8 रुपए है। गिनोगे नहीं क्या? तुमने बोला 8 रुपया तो फिर लो। Oh my God! Wow! तो ये कितने की आती है? तो आपने 8 रुपए क्यों दी? अरे यार मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ तो यार मतलब खिजा विजा यार, गुस्सा करो। अच्छा ये क्या हुआ भाई, ऐसे ही दे दिया ये भाई, ये तो हमारा प्लान फेल गया यार। चलो छोड़ो जो भी हो यार, ये यार हमारा प्रैंक तो एकदम फेल हो चुका है यार। मैंने आंटी को बोला पहले से भाई मेरे पास 8 रुपए है, वो बहुत प्यास लगी है, पानी दो मुझे पीने के लिए। तो भाई उसने गिना भी नहीं इवन की, और रख दिए पैसे वहाँ पे डेस्क पे और बोला भाई ये लो आपकी पानी की बोतल। तो यार ये हमारा प्रैंक तो फेल गया एकदम, चाची ने मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं किया हमारे ऊपर।
तो छोड़ो भाई, अभी हम भी क्या कर सकते हैं, तो इसको हम रखते हैं इधर, थोड़ी बहुत ठंडी है तो गर्म हो जाए। तो आज का हमारा प्रैंक वीडियो इधर ही खत्म होता है। आई होप कि सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा भाई। लेकिन यार लास्ट मोमेंट में हमारा ये प्रैंक, पानी वाला प्रैंक तो एकदम फेल हो चुका। वैसे भी यार आंटी दिल की बहुत अच्छी थी, कोई दूसरा होता तो मतलब पानी देता ही नहीं। तो भाई चलो वीडियो को एंड करते हैं, अभी एंड करने का टाइम भी आ चुका है। आई होप कि सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ऐसे ही मत चले जाना भाई प्लीज। आपके लिए ये सब मेहनत वगैरह करता हूँ और रिस्क वगैरह उठाता हूँ भाई। पता नहीं यार कहीं पे यार कोई अंकल चाचा वगैरह घर से लड़ाई झगड़ा करके आए हो और हमारे साथ भाई हाथापाई कर दे तो कहाँ जाओ यार, मैं तो आपके लिए ये सब करता हूँ। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, अच्छे वाले दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि मोटो व्लॉग्स में इंटरेस्ट रखते हो और डेली यूट्यूब पे एक्टिव हो। तो कमेंट्स करो बाकी वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं कोई अगले ही ऐसे वाले अच्छे कंटेंट के साथ कोई नए वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खाते पीते रहो, राइड को एंजॉय करो। बाकी अगर राइड करने निकलो तो हेलमेट पहन के निकलो। तो चलो टाटा बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड बाय गाइस। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा।